30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे फटाफट, और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पे आपको लिखना जरूर पड़ेगा, उसकी व्याख्या जरूर करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी को देश हित राष्ट्रहित में समर्पित है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आप एक एक करके सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में प्राय लोग गलती करते हैं, इसलिए गलती करते हैं कि जैसे आंग सान सू नाम सुनेंगे उनका विकल्प देखते कहाँ पे जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है आपका राइट आंसर, जी हाँ, म्यांमार। म्यांमार इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि ये म्यांमार के मूल निवासी थे। कहाँ के? म्यांमार के मूल निवासी थे। और 2012 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सू को संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। और इन्हें ओस्लो में 1991 का नोबेल पुरस्कार मिला। 1991 में उन्हें ओस्लो से नोबेल भी मिला था, इसलिए इस बात को जानते रहिएगा, इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण था। चलते गए और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत सरकार के सचिव को, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार को, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का जो पद है वो किसको मिलता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न का जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कितने लोग सही जवाब देते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो ऐसे भी रेस के घोड़े हैं। देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपके लिए वह होगा, देखिए लोगों ने काफ़ी गलत बताया है, लेकिन जो जवाब दे रहे हैं उनका हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आपका योजना आयोग का उपाध्यक्ष, क्योंकि न्यायाधीश तो हो नहीं सकते, उच्चतम न्यायालय भारत का सरकार सचिव हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री राजनीतिक सलाहकार हो नहीं सकते। अब योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं तथा कार्यकारी प्रभुत्व जो पूर्वकालिक प्रभुत्व होता है उनका उपाध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पंचवर्षीय योजना के निर्माण उसके प्रारूप की प्रस्तुति हेतु उत्तरदायी होता है। इसकी नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है, वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका दर्जा रखता है। उसे सभी बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, लोग गलती कर जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न अगर आएगा हूबहू तो हूबहू इसका उत्तर भी रख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हमने पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा, मूल कर्तव्य कहाँ निर्धारित किया गया? देखिए भारत के मूल संविधान में नित्य मतलब मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसमें अनुच्छेद 51 क भाग 4 क, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। पहले जब प्रारंभ इसमें 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर मूल कर्तव्य की संख्या देखा जाए तो 11 है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, रूस से लिए, किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला सवाल आपके सामने, सभी लोग फटाफट बताइएगा कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जवाब दीजिएगा यार, आप लोग की संख्या इतनी कम है यार, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, केवल मेरी थोड़ी है। चलिए यहाँ पे ध्यान देखते हैं, वीजी तिलक, चितरंजन दास, एमके गांधी, जीके गोखले। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर होगा चितरंजन दास, 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से विषम पद को पहचानिए, क्या निम्न से अलग है? बताइए फटाफट कमेंट करके। विषम पद का मतलब इसमें चार विकल्प दिया गया है, उनमें से एक आपका अलग है या गलत, ऐसे समझ लीजिएगा। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा विषम है, कौन सा अलग है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे ऑप्टिकल फाइबर
ट्विस्टेड पेयरवार को एक्सियल केबल, लेकिन जो माइक्रोवेव होता है ये एक रेडियो तरंग है। ये क्या है? रेडियो तरंग है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी जो गलत है वही सही, मतलब यहाँ पे जो विषम है माने डिफरेंट है, ठीक है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था उनके जवाब सही है। क्लियर, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, अमोनियम सल्फेट में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो कितना है? अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन कितना है बताइए। देखिए 21, 25, 30, 18, ये कृषि में फसलों के अधिक उत्पादन में पौधों की वृद्धि के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। अमोनियम सल्फेट भी एक उर्वरक है और उसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहता है और ये लगभग 25% जितना होता है 25% अमोनिया पाई जाती है। आलुओं के लिए अच्छा उर्वरक है, इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जो चूना रहित खेतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न के कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, डबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। फटाफट बताइए, लाइव क्लास चलिए आप लोग के लिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बारे में बता दें, वह प्रिंटर जो टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है उसे हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर के डेजी व्हील प्रिंटर है, यह धीमी गति का इंपैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा रहता है जो गोल गोल घूमकर आवश्यक अक्षर प्रिंट करता है। इसे ग्राफ या चित्र नहीं बनाया जाता, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, फैराड किसका एकक है? बताइए फैराड किसका एकक है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। जल्दी कमेंट करें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यार कमेंट जल्दी करिए, जवाब दीजिए। देखिए अगर फैराड की बात करें, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 जो आपके सामने है यहाँ पर होगा धारिता प्रेरकत्व प्रतिरोध का, तो यहाँ पे आप लोगों ने सही बताया, ज़्यादातर लोगों ने धारिता, इसका जवाब सही है। ठीक है, इसमें दोनों प्लेट को एक कूलाम का आवेश प्रदान करते हैं, उनके बीच एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है जो संधारित्र की धारिता फैराडे कहलाती है। ये एसआई व्युत्पन्न मात्रक फैराड है और इसका जो नामकरण है वो माइकल फैराडे के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? माइकल फैराडे, फैराडे के नाम पर किया गया। अगला सवाल आपके बीच है, काजू की फसल पर इंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिएगा, काजू की फसल के लिए इंडोसल्फान के छिड़काव। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होगा? ये केरल में होगा, सीधी सी बात है काजू उधरी साइड में होता ही ज़्यादा, तो काजू फसल में जो इंडोसल्फान के छिड़काव केरल में महाप्रदूषण कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे राज्य में 2 वर्ष के लिए छिड़काव पर रोक लगा दी। ठीक है, अगला, 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? देवरिया, मेरठ, गोरखपुर, बागपत। फटाफट कमेंट करिए यार, आप लोग जो लोग जवाब दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करिए जल्दी जल्दी। वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, पैसा नहीं कटेगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न नंबर 10 का होगा देवरिया। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी, ये इसका सही जवाब है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनथगो, लॉर्ड इरविन, कौन था बताइए फटाफट कमेंट करके।
इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं व्याख्या बाद में दूंगा क्योंकि आधुनिकवाद के इतिहास में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा या ज्ञात भी होगा सबको, ठीक है। कोई ऐसा भी हो जिसको समझ में ना रहा हो तो पूछ सकता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा तेजी से। यहाँ पर प्रश्न का होता है लॉर्ड निथगो होगा, क्या होगा लॉर्ड निथगो, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं एक बात। वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। मैं ज़्यादा व्याख्या तो नहीं करूँगा, बट शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड निथगो था। इसका शासनकाल देखा जाए तो लगभग 1936 से 1943 तक था। इसके शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग पार्टी बनाया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग और पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। 1940 में शासन ने कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये सब काम लॉर्ड निथगो के शासनकाल में ही हुआ था। अगला यहाँ पे सही मिलान करना है, तो जितने वीडियो को लाइक देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और जवाब दें। सही मिलान करना है मांसाहार मत्स्य दूध अंड पीतल क्या होगा। देखिए आप इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपके सामने वो होगा अंड पीतक प्रोटीन या वसा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंडे की जर्दी, अंड पीतक माने अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी विटामिन का व खनिज तत्व का प्रमुख स्रोत है। इस भाग में अंडे के संपूर्ण वसा कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन रहता है, ठीक है वसा प्रोटीन यहाँ पे रहता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका डी राइट आंसर है, ठीक है। यार आप लोग की संख्या इतनी कम है क्या बात है। अगला है आपके सामने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाली पहले हिंदू अमेरिकन कौन है। सुनीता विलियम्स, ज्योति सेनगुप्ता, अमीबेरा, तुलसी गबार्ड, कौन है बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ तुलसी गबार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तुलसी गबार्ड इसका सही जवाब है। जितने लोगों ने बताया तुलसी गबार्ड ये सही है, ठीक है। यह इराक युद्ध में शामिल होने वाली हवाई तुलसी गबार्ड को 3 जनवरी 2013 को अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की नई सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। और कांग्रेस चुनाव में जीतने वाली तुलसी गबार्ड पहले हिंदू है। अगला है अंकी परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों में मान्यता है। बताइए जल्दी से, ये कंप्यूटर का सवाल है। द्विधारी पद्धति, षोड़श आधारी और द्विधारी दोनों पद्धतियाँ, केवल रोमन पद्धति या षोड़श आधारी पद्धति, बताइए क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है द्विधारी पद्धति इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी पद्धति माने बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत धारा पर कार्य करता है। यह केवल दो परिस्थितियों में जान सकता है, पहली जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो मतलब परिपथ का स्विच ऑन हो तो वह संकेत कर जाए, दूसरी स्थिति परिपथ धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो स्विच ऑफ हो तो संकेत ओ कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कंप्यूटर केवल द्विधारी संख्या पद्धति पहचान सकता है। अगला भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा क्या है। ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा क्या है, ध्वनि प्रदूषण मैंने पढ़ाया है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है बताइए जल्दी जल्दी सभी फटाफट कमेंट कर बताएं। भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है। यार जितने वीडियो को देख रहे हैं बताएं जल्दी से। 40 से 45 डेसिबल के बीच है, ये डेसिबल पे मापी जाती है, ठीक है। मतलब साइलेंट डेसी जोन में 40 से 45 डेसिबल है। शोरगुल वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की जो स्वीकार ध्वनि है वो 50 से 55 डेसिबल है, ठीक है। द्विबीजपत्रियों में पराक्रम में होते हैं 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र, 1 जनन छिद्र कितने होते हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग बताइए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। आप लोगों ने कुछ लोगों ने सही बताया है 2 जनन छिद्र होते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे 2 जनन छिद्र होते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए आवृत बीजी में उन पौधों को रखा जाता है जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। आवृत बीजों में दो भागों में एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। एक बीजपत्री में जैसे चना मटर सेम ये द्विबीजपत्री पौधे हैं, ठीक है। अगला है शांति
निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2012 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? सुनीता विलियम, चंदा कोचर, एलेन जॉनसन, सरलीफ टेरेजा फादक शोवा, बताइए 17 का जवाब। देखिए इस प्रश्न का उत्तर एलेन जॉनसन सरलीफ, सी वालों का सही जवाब है। ठीक है, लोकतंत्र की वापसी सुनिश्चित कराने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार ये लाइबेरिया की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ को 2012 में दिया गया था। अगला, किस तरीके के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन से तैयार किया जाता है? एल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, वसा। तो जल्दी बताइए क्योंकि आज क्लास जल्दी समाप्त करना है, आप लोग की संख्या इतनी कम है, बताइए। देखिए अगर प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर वसा होगा, कैसे आइए ध्यान से देखिए। सभी साधारण साबुन उच्च अम्ली वाला हाई फैटी एसिड जैसे पाइमिटिक हुआ या स्टेरिक हुआ अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम लवण, कास्टिक सोडा या पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकारों के लिए, न संघ सरकार के लिए, न ही राज्य सरकार के लिए, बताइए। प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिए। देखिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 148 मतलब अगर कहा जाए तो 148 से लेकर 151 तक यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये संघ तथा राज्य के प्रत्येक राज्य क्षेत्र के संचित निधि के लिए सभी व्यय निधि के अधीन इसकी जांच कर सकता है। इस प्रश्न का नंबर क्या होगा? उत्तर संघ तथा राज्य सरकारों के लिए, माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी राइट आंसर है, सी वालों का जवाब सही। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में? महोबा, झांसी, कानपुर, जालौन, यूपी स्पेशल हमने बताया था, जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ध्यान से देखना होगा इस प्रश्न का उत्तर झांसी, एकदम सही है, झांसी वाले का जवाब सही है, ठीक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में, इस मंदिर बना 6वीं शताब्दी में था और यह गुप्त वास्तुकला अपनी पूर्ण विकास पर थी और यह बेतवा नदी के तट पर है, ठीक है। तट के पास पहाड़ी पर 24 मंदिरों का अवशेष भी हैं। दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्तम स्मारक है। अगला, वह स्थान जहाँ से आचार्य विनोबा भावे 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया, गुजरात, नादियाड, महाराष्ट्र में पवनार, तमिलनाडु में आयडार, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, बताइए जल्दी। देखिए महाराष्ट्र में पवनार, माने 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, मतलब गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे का पूरा नाम आपको पता है? विनायक नरहरि भावे, विनायक नर हरि भावे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि विनायक नरहरि भावे, मैंने 20 प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। और बाद में देखेंगे सबसे प्रथम सत्याग्रही थे, बाद में नेहरू जी भी जुड़ जाते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है आपका, वह भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ आप लोग को? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों के बारे में बता दूँ। अगर संघ संविधान पूछेगा तो नेहरू, अगर प्रांतीय संविधान पूछता तब ये लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, प्रांतीय पूछता तब
तब आप जवाब क्या देते हैं? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतिज्ञ थे। ठीक, अगला सवाल, लेजर का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजर का आविष्कार किसने किया? सभी लोग बताइए, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है आप लोग के लिए। लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, लेजर का अगर फुल फॉर्म आपको पता किसी को, लेजर जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आपको लेजर का फुल फॉर्म पता है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। ठीक है, लेजर जो किरणें की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक किसने किया था? TH मेमन ने किया था। ठीक है, कब किया था ये? 1960 में किया था। अगला, किसकी उपस्थिति कारण पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, बताइए सभी लोग। उसे हम सेलवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवाल और क्लोरोप्लास्ट नामक लवक से, सेलवाल और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नामक लवक पाया जाता है, ये दोनों रचनाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, अंतर पाया जाता है, बताइए। यहां पे ये भी सही है और ये भी सही है, कोशिका भित्ति भी सही है और क्लोरोप्लास्ट भी सही है, प्लास्टस। ठीक है, क्लोरो प्लास्ट, ठीक है, ये है और ये। अगला, यहां पे ध्यान देना है, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, यहाँ पे बताना है, मिलान करना है, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। बैकांग किस नदी किनारे है? चाओ फ्रेया, शंघाई, सोंगजियांग, सांगपो। यहाँ पे इसे चाओ जियांग भी कहते हैं। और ड्रेसडन जो है एल्बे, मेट्रियल, सेंट लॉरेंस। ठीक है, अब आप मिला लीजिएगा कौन सा विकल्प कहाँ मिलता है। अजंता की चित्रकारी विषय वस्तु में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, सर्व मत। देखिए, यहाँ पे गुफा में, यहाँ पे जो अजंता की गुफा कितनी पता है? अजंता गुफा सत्र, इसे चित्रशाला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? चित्रशाला। चित्रशाला कहते हैं। बुद्ध जन्म के जीवन महाभिनिष्करण महापरिनिर्वाण घटनाओं से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का अगर उत्तर हमें आप देखें तो क्या होगा? बौद्ध धर्म से, यह गुप्त काल से संबंधित है। एलोरा, अगर एलोरा की गुफा पूछ दिया जाए तब यह बौद्ध जन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशी ने कराया था। अजंता की चित्रकारी जातक के रूप में, किस रूप में है? जातक के रूप में। ठीक है, चित्रकारी जो जातक के रूप में है। अगला है आपके सामने, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। बहुत ही आसान है, सभी लोग बताइएगा, ये एक बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, ये निःशुल्क क्लास चल रही है देशी तराशित में। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा शामदेव। क्या होगा? शामदेव, ये देवताओं की स्तुति में गाया जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पुरोहितों को उद्गोता कहते हैं, उद्गाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया एनिवेशन द्वारा, होम रूल के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। जवाब जरूर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, बताइए जल्दी से। देखिए, इस
प्रश्न का उत्तर होगा कि 1929 में लाहौर के जो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया। क्लियर, यह मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो ऊपर हो गया आपका, तो हमने देखा कि डांडी मार्च शुरू किया, यह मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। 8 मार्च 1930 को गांधी इरविल समझौता होता है। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। 29 विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। बताइए, देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना अगर देखा जाए अगर इसकी स्थापना की बात करें तब इसे कई बार मैंने बता दिया है 27 दिसंबर 1945 को ही थी, लेकिन ये कार्य कब शुरू करता है, कार्य कब से करना शुरू करता है, मतलब 1 मार्च 1946। प्रारंभ होता है यहाँ से, ठीक है। तो आगे चलकर देखेंगे इस संगठन के अनुच्छेदों में पहला संशोधन 28 जुलाई 1969 हुआ था, इसमें विशेष आहरण अधिकार को जोड़ा गया, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? Washington DC में। इसकी जब ये शुरू हुआ था तो इसमें 40 सदस्य थे, वर्तमान में कितने, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की मृदा गन्ने कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ऑनलाइन क्लास है, नोट्स के लिए इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध कराई जा रही है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगली क्लास की जो लिंक है टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा। और थैंक यू आप सभी का जितने लोगों ने वीडियो को शेयर और लाइक किया है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नंबर 30 में भाबर व तराई क्षेत्र होगा। वैसे आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने मारा, लेकिन यहाँ पे गलत है। आज महीन कणों के जो निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की जो मृदा समतल है, दलदली, नम, उपजाऊ है, इस मृदा में जल की आवश्यकता वाली फसलें गन्ना, धान, पैदावार ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में गन्ना की पैदावार ज़्यादा होती है, गन्ना हुआ आपका। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो धान की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। आज क्लास, अगली क्लास थोड़ी सी जल्दी होगी, उसकी भी लिंक हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। चलिए ठीक है, हाँ 80% ही सही होता है, हमेशा सही नहीं होता, लेकिन हाँ 80% ये सभी सही होता है, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।